नमस्कार, मैं राजीव सर, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। यूपी कुशीनगर जनपद के बरवापट्टी क्षेत्र के खनगी बाजार गांव में डबल मर्डर से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा है कि पारिवारिक कलह के कारण सनकी दामाद ने अपने सास ससुर को धारदार हथियार से वार कर मौत के घाट उतार कर फरार हो गया है। इस घटना में 60 वर्षीय ससुर छांगुर गुप्ता, 55 वर्षीय सास किस्मती की मौत हो गई है। बचाव करने पहुंचे मृतक का पुत्र 14 वर्षीय आदित्य बुरी तरह से घायल हो गया है, जिसकी गंभीरता में जिला हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। घटना की जानकारी होने पर पुलिस के हाथ पांव फूल गए। स्थानीय थाने की पुलिस ने काफी सक्रियता दिखाते हुए घटनास्थल पर तत्काल पहुंचकर मृतका दंपति के शव को कब्जे में लेकर अग्रिम कार्रवाई में जुट गई है। हालांकि पुलिस अधीक्षक ने एहतियातन के तौर पर गांव में 3 थाने की पुलिस फोर्स तैनात कर दी है। सूचना के आधार पर पीछा कर बरवापट्टी थाने की पुलिस ने बिहार से आरोपी दामाद मंटू को गिरफ्तार भी कर लिया है। वैसे कुशीनगर से कुटुंब साथ की खास पति ने आपके पापा के और मम्मी को मारे हैं, और आपके भाई के क्या कारण है, क्यों मारे हैं? हमसे कोई भी बात नहीं था। वहाँ पे भी कुछ बोल रहे थे, चाहे इससे पहले भी आप लोगों का विवाद चल रहा था। कोई अगर बाप मोटरसाइकिल नहीं कर दला तेरे बाप के कीरा परी और अतिया को मोटरसाइकिल आपसे कूद के बुढ़वा के इट्टा चला के मरुए तो बुढ़वा लगवे चिल्ला तब हम रुक दिख लिवे ये दुआर सुतर हमी तक वेगे ताप दला रुवे को दब तो रुक मुआ देव 3-3 को मर्डर को के आइल बानी दबले रुवे पूरा जरा छोड़ा वाल। बीती रात थाना बरवापट्टी क्षेत्र में एक घटना घटित हुई है, जिसमें दामाद द्वारा अपने ससुर और सास की हत्या की गई है। शार्प ऑब्जेक्ट से हत्या की गई है और उसका जो साला है उसके पुत्र पर भी प्रहार किया गया है, वो भी गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज चल रहा है। और इस संबंध में जो आरोपी दामाद है इसको हिरासत में ले लिया गया है, पूछताछ की जा रही है। इसके द्वारा घटना का इकबाल किया गया है। जहां तक इस घटना के कारण के विषय में अगर हम जानकारी करते हैं और इससे पूछताछ से पता चला है कि इसको अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह था। इसका वर्ष 2018 में विवाह हुआ था, जिसकी शिकायत इसने अपनी पत्नी से भी की, अपने सास और ससुर से भी की और अपने पिता से भी की, और इसी बात को लेके वो इच्छुक जो था और इसने इस प्रकार के जघन्य अपराध को कारित किया गया है। पुलिस ने इसमें तत्परता से कार्रवाई करते हुए 4 घंटे के अंदर ही इसको हिरासत में ले लिया है। वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।